हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सौरभ। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डे के सीन को नाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो VFX में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारी शूटिंग डे में करी जाती है, उसको सीन को नाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ के सीन्स को देखा होगा, जैसे कोई रेस्टोरेंट का सीन होता है, जैसे कोई कोई कैरेक्टर भाग रहा है कहीं आउटडोर में, तो उसको हम नाइट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो वहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कैसे शॉट अलग रहता है तो हमें अलग अलग चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। बट हम आज जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि कोई समुद्र का सीन है, उसको कोई 360 डिग्री कैमरा उसमें पैन हो रहा है, तो उसको किस तरीके से हम नाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करना किस तरीके से वो चलिए देख लेते हैं अपने न्यू की स्क्रीन पर। तो चलते अपने न्यू की स्क्रीन पर, और यहाँ पे हमें रहेगी कुछ फुटेज की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैंने पहले जो फोल्डर ओपन किया हुआ, तो यहाँ पे जो कम साइज का है वो मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे देखो 10 MB, यहाँ पे 90 MB। तो 10 MB वाले को ले लें ताकि हम लोग प्रीव्यू जल्दी जल्दी देख पाए। यहाँ पे लेना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर लेना है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है ये, बट ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपका आ जाए इसको कनेक्ट कर लो। इसके बाद मैं शिफ्ट F3 प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरे को फुटेज थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको इसको सेटिंग कर लेना है, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम 1 कर लेते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आते हैं प्री मल्टीप्लाइड ऑटो अल्फा, और इसकी कुछ प्रोजेक्ट सेटिंग कर लेते हैं। जो साइज़ यहाँ पे हम वहाँ पे डाल लेंगे। तो हमारे यहाँ पे 1280x720 है, तो यहाँ पे हम जाएंगे 1280 हमारा कहाँ पे है, ये 1280x720। तो हमने ये कर लिया। इसके बाद अगर आपका PC एंकर होगा तो भी आप यहाँ पे इसको प्रॉक्सी कर सकते हो, बट मेरे केस में मुझे ठीक लग रहा है। जब हैंग करेगा तब देखेंगे। अभी हम लोग को यहाँ पे कलर करना है, तो पहले फुटेज को देख लेते हैं। हमारी फुटेज कुछ इस टाइप से है। तो जब भी कोई ऐसा सीन होता है कि जिसमें पूरा एक जैसा ये दिख रहा है हमें, और इसको पूरा एक कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, तो हमें अगर हाईलाइट करना है इसको, नाइट का सीन दिखाना है, तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऐसे यहाँ पे मैं इसको कलर थोड़ा सा कम कर लूँगा। तो कलर को कम करने के लिए मैं इसका सैचुरेशन को ऐसे टी करोगे तो सैचुरेशन आपको मिल जाएगा। सैचुरेशन में जाना है आपको और यहाँ पे इसको कर लेना है थोड़ा सा डीसैचुरेट। जैसे करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से, ऐसा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ठीक लग रहा है, अगर और करना है तो और आप यहाँ पर कर सकते हो, मुझे इतना ठीक लग रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कलर करेक्शन, कलर इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे लेंगे COL, जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे लेना है कलर करेक्ट। जैसे आप कलर करेक्ट लोगे इसको यहाँ पे लगा लो। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि आपने काम भी किया होगा कि ज़्यादातर हम गेन में काम करते हैं, तो जैसे आप इसको बढ़ाओगे तो आपको कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे हमें इसको ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे 4 हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे डिजिट दे सकते हैं। बट हमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ऐसे ऐसे करने में, तो हम लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे सब ब्लू कर सकते हैं। बट हम एक्चुअल मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल की सहायता से इस पर क्लिक कर देता हूँ, पहले जैसा हो जाएगा। तो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल की सहायता, आप इस पर क्लिक कर दो, देखो आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे देगा। यहाँ पे कंट्रोल के साथ में क्लिक करोगे तो ये आपका अलग से इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पे इसको नीचे की तरफ करोगे ऐसे, तो ये देखो आपको डार्क की तरफ ले जा रहा है नीचे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इतना ठीक है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू को बढ़ाऊंगा ऐसे, और इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ ले लेंगे ऐसा। तो मुझे इतना ठीक लग रहा है। अगर आपको थोड़ा सा और ब्लू चाहिए तो आप यहाँ पर 1 की तरफ इसको जितना ऊपर ले जाओगे वो डार्क होता जाएगा, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। तो आपको जितना चाहिए, मुझे ये लग रहा है कि इतना ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा के देखता हूँ कैसा जा रहा है यहाँ पर, ये ठीक है। तो मुझे ठीक लग रहा है, ऐसे। और इसको हम कर देंगे बंद। बंद करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना कंट्रास्ट। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो उतना अच्छा यहाँ पे नहीं लगेगा, ये बाद में प्रॉब्लम देगा। तो मैं इसके लिए अलग से कुछ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ
एक टैप प्रेस करता हूँ और कीयर, KEY प्रेस करोगे तो कीयर आपको मिल जाएगा। अब मैं ये ले क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा हाईलाइट करना है इसमें। तो हाईलाइट क्या करना है मुझे यहाँ पे, ए जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आप इसको इसमें कनेक्ट कर दो और अब इस पर वन प्रेस करो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे जो इसको रेंज मिल रहा है लाइट का, मैं इस पर थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो जो भी ये व्हाइट वाला पार्ट है वो हमें दिखा रहा है। अगर आपका केस में कुछ अलग दिखा रहा है तो आप इसको उल्टा भी इस तरीके से कर सकते हो, बट मेरे को ये ठीक दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, ऐसे इतने पार्ट में दिखा सकते। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है एक ग्रेड नोट, जी प्रेस करना है और इसको यहाँ पे अटैच कर लेना है इस तरीके से। अभी हमें इसके मास्क को इसमें करना है और यहाँ पे करना है वन, तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों, हमने यहाँ पे अल्फा पे काम कर रहे थे तो हमें ए से फिर से प्रेस करना होगा, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी हमारा कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड है। ग्रेड पे जाएंगे और यहाँ पे गेन की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऐसा। अगर आपको थोड़ा सा और चाहिए तो यहाँ पे यार आप ज़्यादा भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ, 10 कर सकते हो, और भी ज़्यादा कर सकते हो, तो ऐसा कुछ दिखाई आपको दे जाएगा थोड़ा शार्पनेस में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्ले किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे आ जाने वाला है। अगर आपको चाहिए, जैसे कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लाइट और चाहिए लग रहा है था, अगर चाहिए तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे मर्ज ले रहा हूँ, यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक रोटो की शेप ले रहा हूँ। जो भी शेप आप लेना चाहते हो ले सकते हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ ऐसा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं फैदर दे दे रहा हूँ इस तरीके से। अब मैं इसको यहाँ पे अटैच कर दूंगा तो आप देखो यहाँ पे भी ये आ गया, इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पे भी ये हमारा आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे डीसेलेक्ट करता हूँ तो ये चला जाएगा। तो जहाँ भी आप चाहिए वो यहाँ पे कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। और एक चीज़ और, अगर आपको यहाँ पर कलर दूसरा चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कंट्रोल सी, आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा, कंट्रोल सी या कंट्रोल वी कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे जाते हैं, कंट्रोल की सहायता इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा भी दिखाई देगा आपको। कंट्रोल की सहायता क्लिक करो और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कुछ ऐसा कलर चाहिए तो आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ ब्लू के कम करेंगे तो हमें रेड बढ़ जा रहा है, तो हमें जैसा चाहिए वैसे यहाँ पे कर सकते हो। इस टाइप से कोई कलर चाहिए तो यहाँ पे कलर करेक्शन इस तरीके से कर सकते हो, बट मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ पे ऐसा ही रख रहा हूँ। अब हम इसको पूरा प्ले करके देखेंगे, तो एक बार जब हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इस तरीके से दिख रहा है। तो ये बहुत सारे फ्रेम है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 300 से ले लेता हूँ, आई प्रेस करता हूँ और यहाँ पे प्ले करते हैं। प्ले होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे यहाँ पे पूरा ये हो चुका है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से हम डे टू नाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ी सी लाइट कम चाहिए तो हम यहाँ पे कर सकते हैं और भी काम। यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ में क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा इसको डार्क की तरफ ले जाओ तो और आप यहाँ पे कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो
तो यहाँ पे आपको ट्रैक रैक करना पड़ेगा, जैसे कि दिखाया हुआ ट्रैक रैक करके आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये था कि हम लोग कैसे डे टू नाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइप के कुछ सीन्स को। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।